सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं नहा चुकी हूँ गाइस। इतनी ठंड है, मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही। हाँ गाइस, अब मैं रेडी हो जाऊँ फिर रेडी होने के बाद जॉब पर। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं अब जा रही हूँ अपने जॉब के लिए। गाइस पता है सबसे ज़्यादा लेट होता है ऑटो मिलने में, पता है गाइस 10-15 मिनट तो खड़े खड़े यहीं हो जाते हैं और ऑटो मिलता ही नहीं है जल्दी। मैं ऑटो के लिए वेट कर रही थी तो मुझे ऑटो नहीं मिला। अच्छा रहा नहीं मिला ऑटो मुझे, क्योंकि अंकल का बिल्कुल अभी अभी कॉल आया है। जस्ट ऑटो खड़ा था, मैंने बात भी कर ली थी, मैं बस बैठने वाली थी, तुरंत अंकल का कॉल आया। अंकल ने कहा बेटा 1-2 घंटे बाद आना, उन्हें कोई काम है बाहर तो वो वहीं जा रहे हैं, तो अब मुझे 1-2 घंटे बाद जाना पड़ेगा। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पर और मैं आके जस्ट धूप में बैठी हूँ अभी। गाइस तब तक तो मैं धूप में बैठी रहूँ क्योंकि कोई काम है नहीं। मुझे नाश्ता कर रही है, नाश्ता क्या खाना ही समझो एक तरीके से। हाँ गाइस, तो ये खा ले, तैयार हो जाए। तो गाइस मैं हूँ ऑटो में और अंकल का कॉल आया था, मैं फटाफट तैयार होके आ गई और अब दोपहर के 1 बज रहे हैं तो अब कॉल आया, अब मैं जा रही हूँ अपनी जॉब पर। और हाँ, दीदी के लिए खाना वगैरह भी ले जा रही हूँ। हाँ गाइस, तो वहीं मिलते हैं ओके शॉप पे। सॉरी गाइस, वीडियो शेक हो रहा है क्योंकि मैं ऑटो में हूँ। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ, बस मैं फटाफट जा रही हूँ शॉप पे और मैं दीदी को खाना देके आ गई हूँ और जा रही हूँ मैं अपनी शॉप पे बस। सो गाइस, शाम के बज चुके हैं 6 और आज मेरी शॉप पे काफ़ी कस्टमर आए थे क्योंकि शनिवार को ज़्यादा कस्टमर आते हैं, तो अभी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई तो मैं दीदी की शॉप पे ही। मुझे अभी याद आया कि मुझे ब्लॉग भी बनाना है। हाँ गाइस, बस 1 घंटे बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी। सॉरी गाइस, आज मेरे दुकान पे कस्टमर वगैरह आ गए तो मैं ब्लॉग बनाने का बिल्कुल ही भूल गई, मेरे दिमाग से उतर गया। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ बाहर शॉप के और मुझे लेने जाना बिंदी के पैकेट, तो मेरे शॉप पे हैं नहीं, मतलब ख़त्म हो गए हैं, तो मुझे अब दूसरी शॉप पे जाना है ये लेने। तो हेजिटेशन होता है क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉग बनाती नहीं हूँ ना कभी कभी, तो मेरे एक तो मैं बोल नहीं पाती हूँ सही से और दूसरा लोग मुझे ऐसे देखते हैं तो मुझे हेजिटेशन भी होता है। हाँ तो हाँ गाइस, देखो जैसे उन आंटी ने देखा। तो गाइस मिलते हैं शॉप पर ओके। सो गाइस मैं ले आई हूँ बिंदी के पैकेट ये हैं और अब मैं जा रही हूँ अपने शॉप पे। पता है गाइस, यहाँ पे सामने ना एक क्यूट सा डॉगी बैठा था, पता नहीं कहाँ चला गया, अभी मेरे पीछे पीछे भी आ रहा था, पता नहीं कहाँ। शाम के बज चुके हैं 7 और 1 घंटे बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी जैसा कि आपको पता है। और गाइस मैं आ तो काफ़ी देर की गई थी, 1-2 कस्टमर से आ गए थे और भैया वगैरह खड़े थे अड़ोस पड़ोस के सामने, तभी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। सो गाइस अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ। सो गाइस बच चुके हैं 8 और हो चुकी है हमारी छुट्टी। और पता है मजे की बात क्या है, हम आधे रास्ते पहुँच चुके थे और दीदी ना भुलाई टिफ़िन और उसमें खाना भी है क्योंकि आज मैंने खाया नहीं खाना। तो गाइस हम लोग वही टिफ़िन लेने जा रहे हैं दोबारा से दीदी की शॉप पर। सो गाइस दीदी लेने गई है टिफ़िन और मैं यहीं पर खड़ी हूँ, मैं उसका अभी वेट कर रही हूँ, वो गई है फटाफट लेकर आएगी। गाइस मैं सोचती हूँ भूल कैसे जाती है टिफ़िन, इसका 2 बार हो गया, पिछली बार भी भूल गई थी अभी 2 दिन पहले, आज भी भूल गई जी को मैंने याद दिला दिया आधे रास्ते से। चलो कोई नहीं गाइस। सो गाइस मैंने अभी दीदी को कॉल करा था, वो कह रही मैं कस्टमर्स को देखने लगी, मतलब छुट्टी हुई फिर गई फिर से कस्टमर देखने लगी। अब गाइस मैं क्या बोलूँ। सो गाइस अभी देखो छुट्टी ले ली थी उसने और फिर गई फिर से कस्टमर आ गए तो कह रहे फिर से लहंगा दिखा दो, मतलब एक लहंगा खुद भी तो दिखा सकते हैं ना जब छुट्टी कर दी है। पूरे 8:05 हो रहे हैं गाइस अब तो, और मैं इतनी देर से यहाँ वेट कर रही, मैंने कॉल करा वो कह रही कि मैं कस्टमर्स को देख रही, मुझे वेट करते करते ना ज़्यादा देर हो गई है, तो मैंने सोचा लोग ऐसे मुझे देख भी रहे अजीब सा, तो मैंने सोचा मैं दीदी की शॉप पर ही चली जाऊँ, तो मैं वहीं जा रही हूँ अभी हाँ दीदी की शॉप पर। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ दीदी की शॉप पर, जैसा कि आप देख सकते हैं दीदी उधर है, कस्टमर्स को देख रही है, मुझसे भी लहंगा उठवा लिया, यहाँ पे पड़ा था मुझसे भी उठवा लिया। चलो कोई नहीं गाई थी क्या करें हम। तो गाइस अभी मुझे लग रहा है टाइम लग जाएगा, 10-5 मिनट और लग जाएंगे। हाँ अब तक मैं यही वेट कर रही हूँ उसका। तो गाइस फाइनली अपनी शॉप से निकल चुकी हैं और हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। गाइस हो गए 8-9 मिनट, मुझे खड़े खड़े 8-9 मिनट हो गए श॑ॉप पे, सोचो गाइस 8-9 मिनट लेट जा रहा। सब हम आधे रास्ते आ चुके हैं और हमको ख़रीदना है एक सिम, तो हम यहाँ पे आए हैं शॉप पे एक सिम खरीदने। हाँ गाइस क्योंकि हमको एक सिम की नीड है, फाइनली हमने ख़रीद लिया है और एक सिम खरीद लिया और ये बहुत खुश हो रही है। क्या बात, खुश नहीं हो रही है, पैसे दे। और पता है गाइस सिम उठाया, आधार कार्ड उठाया, पैसे दिए नहीं, चलती बनी, भैया क्या कह रहे पैसे तो दे दो।
बड़ी तफरी आती है कभी कभी। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम अभी घर पहुंचे नहीं आधे रास्ते। और पता है गाइस, मुझे बहुत ही ज़्यादा कस के भूख लग रही है, मतलब लगी रही है। और फिर पता है, दीदी ने कहा कि टिफ़िन में ना पराठा रखा है। मैंने आज दोपहर में खाना खाया नहीं, क्योंकि मैं घर से खा के ही मुझे सही लग रहा था, भूख भाग नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा मैं बाद में खा लूँगी, फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिला, फिर सीधे छुट्टी हो गई। सो गाइस, पता है, हंसना मत कमेंट में, मैं पराठा खा रही हूँ। ब्लॉग में कुछ नया करते रहना चाहिए गाइस। तो मुझे बहुत सो गाइस, रात के 9 बज चुके हैं और अभी हम रास्ते में ही हैं। पता है गाइस, आज देर पर देर हो रही है। गाइस, रात के 10 बज चुके हैं और हम लोग घर पे आ गए थे कब के, बट अब टाइम अब मिला है कैमरा उठाने का, फोन उठाने का। और ये भूत देखो कैसी लग रही है। योर टी। और गाइस, हाँ, ये था हमारा आज का ब्लॉग वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राधे कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम एंड बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।